नमस्कार, मैं हूं आकाश तत्र, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। भारत की सड़कों पर सड़क हादसे होना एक आम बात सी हो गई है। आप अगर रात में कभी निकलते हैं तो ब्लैक स्पॉट होने के कारण आप सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि देश भर में 500 से भी ज़्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं नेशनल हाईवे पर, जो कि लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। हालांकि NHAI दावा करती है कि उसने 200 से भी ज़्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट को ठीक कर दिया है। मगर सड़क हादसे फिर भी नहीं रुक रहे हैं। दिल्ली कलकत्ता नेशनल हाईवे पर ऐसे कई ब्लैक स्पॉट हैं जो कि आसपास के गांवों के लोगों की मौत का कारण बने हुए हैं। बुलंदशहर के हृदयपुर गांव में भी ऐसे ही एक ब्लैक स्पॉट के कारण एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। NH-91 पर ऐसे ही एक ब्लैक स्पॉट है जो कि आसपास के गांवों के लोगों के लिए मौत का कारण बना हुआ है। बुलंदशहर के हृदयपुर गांव के 4 नंबर चौराहे पर ही ऐसा ही एक ब्लैक स्पॉट है जिसकी चपेट में पिछले 2 महीनों में अब तक 12 गांव वाले आ चुके हैं। दिल्ली कलकत्ता नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सिकंदराबाद औद्योगिक इलाके के अलावा कई दर्जन गांव भी बसे हैं और गांव वालों को सड़क पार करने के लिए या सड़क पर इधर से उधर जाने के लिए ना तो सर्विस लेन बनी है ना ही फुटपाथ बना हुआ है। अगर आंकड़ों की माने तो 2 साल में 40 लोगों से भी ज़्यादा की मौत का कारण बना हुआ ये 4 नंबर चौराहे को ठीक कराने के लिए अभी तक किसी ने भी कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए हैं। अगर प्रशासन से बात होती है तो प्रशासन सिर्फ पत्र ही लिख रहा है, मगर उस मौत का सौदागर बने चौराहे को ठीक नहीं करा रहा है। लिहाजा इस बेतरतीब ट्रैफिक में एक के बाद एक इंसानी जाने जा रही हैं और प्रशासन सिर्फ हाथ हिला रहा है। देश भर में हो रहे सड़क हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है? जिलाधिकारी या फिर राज्य सरकार? NHAI तो कहता है कि उसने इस तरीके के कई ब्लैक स्पॉट को सुधार दिए हैं, लेकिन मौतें फिर भी हो रही हैं, लोग फिर भी सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। यूं तो एक चौराहे की बात हो रही थी जहां पे ब्लैक स्पॉट होने के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन देश भर में ऐसे कई ब्लैक स्पॉट हैं और रोज़ाना कई सड़क हादसे होते हैं। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मा उठाएगा इस तरीके के सड़क हादसों से लोगों को बचाने के लिए? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।